कि जिस प्रेस नोट के आधार पर ये मानहानि का दावा कर रहे हैं वो प्रेस नोट मैंने नहीं बनाई थी, नहीं प्रस्तुत की थी और इसका कोई भी सबूत उनकी तरफ से भी नहीं रखा गया है। विरोध इस मुद्दे पर किया कि हम लोग विकास विरोधी हैं। हम विकास विरोधी नहीं हैं, हम कोई व्यक्ति विरोधी भी नहीं हैं। और पर्यावरणीय नुकसान या किसी भी परियोजना के लाभ हानि में अगर बहुत बड़े घोटाले दिखाई दिए तो उस पर सवाल उठाना भी हमारा फर्ज है। सही विकास पाने के लिए जो पीड़ित और शोषित होते हैं, अन्यायग्रस्त होते हैं, उनके साथ जरूर खड़े होते हैं। कल दिल्ली के साकेत कोर्ट से मेरे ऊपर श्री विनय कुमार सक्सेना ने लगाए हुए मानहानि के आरोप में जो फैसला दिया है वो 5 महीने की सजा और 10 लाख का जुर्माना कहो या उनके मानहानि की भरपाई कहो, वो सजा देते हुए 1 महीना अपील करने के लिए ऊपरी कोर्ट में छूट दी है। इसके संबंध में मुझे दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी जगह के भारत के राज्यों से, संगठनों से, बहुत सारे मान्यवर और जनप्रतिनिधियों से जो सवाल आए हैं उस पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि जिस प्रेस नोट के आधार पर ये मानहानि का दावा कर रहे हैं वो प्रेस नोट मैंने नहीं बनाई थी, नहीं प्रस्तुत की थी और इसका कोई भी सबूत उनकी तरफ से भी नहीं रखा गया है। पर जिस प्रकरण में ये मानहानि का दावा और उसके संबंधी प्रेस नोट ये बता रहे हैं उस प्रकरण को उल्टे जो एक विज्ञापन में विनय कुमार सक्सेना जी जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे, वो उस समय केवल जेके सीमेंट और अदानी ग्रुप इनके संयुक्त धोलेरा प्रोजेक्ट के एक अधिकारी बनाए गए थे और वो एक नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज करके एक सामाजिक संस्था के भी कोई पदाधिकारी थे, लेकिन उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध इस मुद्दे पर किया कि हम लोग विकास विरोधी हैं। हम विकास विरोधी नहीं हैं, हम कोई व्यक्ति विरोधी भी नहीं हैं। हाँ, हम जो विकास के नाम पर विनाश या विस्थापन या विषमता भुगतते हैं, जो पीड़ित और शोषित होते हैं, अन्यायग्रस्त होते हैं, उनके साथ जरूर खड़े होते हैं और ये हमारा फर्ज है। तो कानूनी और संवैधानिक दायरे में शासन का भी फर्ज है उनको न्याय दिलाना। और पर्यावरणीय नुकसान या किसी भी परियोजना के लाभ हानि में अगर बहुत बड़े घोटाले दिखाई दिए तो उस पर सवाल उठाना भी हमारा फर्ज है सही विकास पाने के लिए। तो हमारा कार्य तो जारी रहेगा, पर कल जो आदेश दिया गया है उस पर जो आगे की कानूनी कार्रवाई करने का हमारा अधिकार है वो हमारे प्रो बोनो वकील निश्चित ही कर रहे हैं और करेंगे। और हमारी तरफ से जो केसेस लगी है उसमें केवल मानहानि की केस नहीं है, तो 2002 में साबरमती आश्रम में जो मुझ पर शारीरिक हमला हुआ था जिसके दसों गवाह हैं, पर 2002 से अभी तक उन गवाहों की गवाह नहीं ली गई है और मेरी ही क्रॉस चल रही है। तो उस केस में भी विनय कुमार सक्सेना और अन्य 3 राजनीतिक जनप्रतिनिधि ये आरोपी है और उस पर अभी निर्णय नहीं आया है। तो हमारी 2 केसेस में निर्णय नहीं आया है, पर कल उन्होंने जो मेरे खिलाफ एक हमें जो असत्य लग रही है वो केस डाली थी उस पर निर्णय दिया गया है। और हम सब लोग ये मानते हैं कि सत्य परेशान होता है पर सत्य पराजित नहीं हो सकता है और हमारी जो विचारधारा है वो अहिंसा की है, वो व्यक्तिवादी नहीं है और हमारी विचारधारा को हम समता, न्याय और संवैधानिक अधिकारों के और मूल्यों के तहत अपनाते हुए ही अपना जीवन जीते हैं और जिएंगे।